मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेकअप हो गया है डन। चलो गाइस पहन लेते हैं चूड़ा। क्या पैर पहन लेती हूँ, टक गई है मैंने। मम्मी उतारो इसको तो इसमें क्यों पहनी थी। तो जी भाई हमारे बीच में आ चुकी है अनाइशी। और अनाइशी कैसे हो आप? आप रेड पहन रहे हो? वाह भाई वाह, देखो भाई सबने रेड रेड पहना है, दीपशिका ने पिंक। हाँ भाई आपका घूम रहे हो सुंदर सी बाबू बन के। चलो तो जी भाई चल दिए। और दीपजी को मुझे एक बात तो बताओ, तुमने कही तो थी मुझसे पिंक पहनना, पर मुझे थोड़ा ना बताया पिंक अभी पहनना। अब भाई घर जाकर पिंक पहनूंगा जब वीडियोस बनेंगी। सही है, कोई बात नहीं। दीपशिका एक बात तो बताओ, तुमने व्रत रखा भी है ना या कुछ खा लिया? सच बात है, और तुम्हें भूख नहीं लग रही है? अरे वो फर्स्ट करवा चौथ की एक्साइटमेंट होती है, अभी मुझे एक्साइटमेंट है, अभी इसके बाद दूसरा लुक क्रिएट करना है, फिर तीसरा, फिर लास्ट फोर्थ वाला। इसलिए क्यों खाना और पीने का नाम ले रहे हो? चुप रहो, मेरे में खाना ही खाना कहता रहो। खाना तो छोड़ो, प्यास लग जाएगी। कैसा लग रहा है आपको, आप बताइए कुछ। बहुत मजा आ रहा है। हाउ डू यू, पहले पापड़ तैयार हो गए करवा चौथ पे? आज हम भी तैयार, बड़े वाली पीली खा रही। हंसी भी आ गई भाई, बाजी बाजी फिर तो सोच के। हाँ मैं तो कभी देखा भी नहीं है, और फिर पिंकी शीशे में एक बार भी। अब तो मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट रेडी, फुल रेडी। चूड़ा मैंने चेंज कर लिया। पोछा मार दे, चल। हाँ जी मम्मी जी, भाई आज मम्मी पापा के नाम की बर्थी है, फिर दो दिन बाद फिर मेरे नाम की बर्थी है, अहोई का बर्थ डे जैसे। फिर इसके नाम मैं मम्मी को बोलूँ साड़ी पहन लो, सेम कलर की है पर पहन लो। करवा चौथ मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। आ बहन तू भी खाना खा ले उनकी। भाई देखो स्ट्रगल, वाह भाई वाह, इतने घेर के बनवाई काहे को फिर तब। अभी हम ऊपर से आए तो मैं नीचे आई, देखो कितना अच्छा दिन है आज, तो मैं नीचे आई तो मुझे एक पार्सल दिखा, तो ये कोलैब आया है पेज करा में, पता चला बड़ा प्यास लग रही है। मैंने ऋतिक को एक चीज और बोलती कि इस आउटफिट के मैच की शॉर्ट पहन लेना। मैं तो सुबह ही तेरे सामने लगता ही बदलता रहूं मैं। चार चार पूरी लगा ले। चाल आ चुका है, अब यहां पे थाली तो ये मेरा फोर्थ आउटफिट आउट। वेलकम टू ऋतिक दीपशिका भाटी ब्लॉग। सो कैसे गाइज आप लोग, तो आज है करवा चौथ टू ऑल द गर्ल्स। तो अभी हो रही डे की शुरुआत और बज रहे अभी 9:30, और मैं नहा वहा के पूरा मतलब हेयर वॉश करके सब रेडी हूँ। और मुझे टाइम लिया था 9:30 का, क्योंकि उसके बाद भाई उनका फास्ट है, उनके भी रिचुअल्स है, तो फिर उन्होंने कहा मॉर्निंग में नहा लेना फटाफट से आके हेयर स्टाइल बना दूँगी, तो मेरा बन रहा है हेयर स्टाइल। और जो मेरा मतलब मुझे मॉर्निंग में लुक क्रिएट करना है, तो वो ये है मेरा आउटफिट, ये ज्वेलरी। तो अभी सारी आपको चीज़ें दिखाती हूँ, तो पहले बनवा लेते हैं हेयर स्टाइल। हो गया डन, अभी दिखाती हूँ बैक से क्या लुक रखा है। रीना दिखाई, रीना दिखाई, कैसा लग रहा है? तो ये हेयर स्टाइल बनाया रीना ने मेरा, अच्छा ही बनाया होगा ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी हेयर स्टाइलिस्ट, इफ यू आर लुकिंग गुड हेयर स्टाइलिस्ट, तो रीना को जरूर कॉन्टेक्ट करना। इंस्टा आईडी तो आपको पता ही है, 3 साल से रीना मेरे साथ वर्क करती है। तो गाइस कैसा लग रहा है वैसे पीछे से? अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेकअप हो गया है डन, ज्वेलरी भी पहन ली। तो ज्वेलरी आपने देखा था, ये कार्डिनल ज्वेल्स आई थी, तो वो जो रिसीव थी वो पहनी है। मेकअप हो गया है, लैशेज अभी लगा ली, लेंसेज तो लगा लिए, ठीक है। और अब मेरा पहला ऑर्किड है ये, मैंने ये बनारसी सूट स्टिच कराया था, मतलब मैंने नहीं, ये सूट मुझे ससुराल से मिला है, तो ये उनकी साइड से सूट है। तो आज मेरा अभी मॉर्निंग का आउटफिट ये है, बाकी इसकी फुल लुक देखने के लिए आप इंस्टाग्राम जरूर विजिट करना मेरी। चलो गाइस पहन लेते हैं चूड़ा।
आगे पीछे का भी तो होता है इसमें। बीच में ऐसे ऐसे हाँ हाँ पीछे थोड़ी टाइट हो रही है, टक गई है। मैंने मम्मी उतारो इसको तो इसमें क्यों पहनी थी दूसरी फिंगर में अटक गई तो दूसरी फिंगर में पहननी थी अटक गई ना ये इस फिंगर में नहीं इस फिंगर की नहीं है ये रिंग थी उसमें एडी की वाली डाली ना मैंने स्किन स्किन रुक जा मैं धीरे धीरे उतार रही हूँ फिर इसमें ही सही यार इसमें पहनाना फर्स्ट वाली में इसमें सही यार बट फिर बीच वाली इसमें नहीं आएगी। राम राम जी तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक दीपशिखा भाटी व्लॉग्स पे। तो जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप व्लॉग्स को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और भाइयों जैसे कि आप सबको पता है आज है करवा चौथ तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ सबसे पहले दीपशिखा के पास फिर दीपशिखा को लेकर आएंगे घर तो जुड़े रहो दिखाते हैं आज पूरे दिन क्या करते हैं। और आज तुम्हारे भाई ने पहनी है रेड शर्ट तो कैसा लग रहा हो कमेंट करके बच्चे ठीक है चलो चलते हैं। और हमारे साथ हमारे केशव भाई देखो हमारे साथ हमारे केशव भाई क्या हाल है बढ़िया भाई। तो आज हम केशव भाई को अपने साथ लेकर आए तो चलो चलते हैं अभी है सीलमपुर तो चलो चलो। तो जी भाई को फाइनली पहुंच चुके हैं अब आपको मिलाता हूं दीपशिखा से चलो। तो जी भाई हमारे बीच में आ चुकी है अनायशी। और अनायशी कैसे हो आप ठीक हो पहले राधे राधे तो बोल दो जी। अनायशी और आप रेड पहन रहे हो वाह भाई वाह देखो भाई सबने रेड रेड पहना है दीपशिखा ने पिंक वाह भाई वाह दीपशिखा वाह अनायशी इधर तो आओ आपने क्यों पहना है भाई हाँ भाई आपका घूम रहे हो सुंदर सी बाबू बन के हाँ भाई जब मैंने लाल पहना है तुमने लाल क्यों नहीं पहना तो टाइमिंग वो बननी चाहोगी हो कैसा लग रहा है आपको मेरे नाम का व्रत रख के आपको कैसा लग रहा है भाई देखो सारा खा चुकी है दीपशिखा क्या क्या खाया दीपशिखा सुबह से बता दे पहले तुमने ये बताओ खाया क्या क्या ऐसा सच चलो तो जी भाई चल दिए। और दीप जी को मुझे एक बात तो बताओ हाँ। तुमने कही तो थी मुझसे पिंक पहनना पर मुझे थोड़ा ना बताया पिंक कभी पहनना मैंने बोला था सारी अपडेट दी थी भैया ने मुद्दे नहीं कही दीप जी ऋतिक पिंक पहनना है। अब भाई पिंक जो मेरी शर्ट है वो अभी यहाँ से भी आई है जैसे कि आपने देखा होगा व्लॉग में और जो मेरी वाली रखी हुई थी वो भी रखी हुई थी मैंने सोची मैंने की नई यू बनवाई है तो यहाँ पहन लूंगा तो अभी पता है वीडियोस नहीं बनवाई है लड़की नहीं हूँ कह रही है घर जाके पिंक पहनना जब मैंने वीडियोस बनवाई इतनी मेहनत करेगी भाई पिंक आउटफिट ऑरेंज आउटफिट रेड आउटफिट तो क्यों पहनी नहीं अब भाई घर जाके पिंक पहनूंगा जब वीडियोस बनेंगी सही है कोई बात नहीं। दीपशिखा एक बात तो बताओ तुमने व्रत रखा भी है ना या कुछ खा लिया ऐसा कुछ नहीं है भाई जो मैंने रील डाली थी ना इंस्टा पे आपने देखी होगी कि मैंने डाली थी अभी 2 घंटा में जो गया मैं भूख लग रही है तो सच बात है और तुम्हें भूख नहीं लग रही है अरे वो फर्स्ट करवा चौथ की एक्साइटमेंट होती है अभी मुझे एक्साइटमेंट है अभी इसके बाद दूसरा लुक क्रिएट करना है फिर तीसरा फिर लास्ट फोर्थ वाला इस ये अभी खाना नहीं सूझ अब कह के भूख मत लगवाओ ना भाई कह के भूख तो लगवानी है देसी का मोला कहते हैं सवेरे उठ के है सुनो मोला कहे तुमने सवेरे उठ के सबसे पहले चिप्स चिप्स नहीं जा रहा मैं चाय मट्ठी ली थी सच में
क्या है ऋतिक, क्यों खाना और पीने का नाम ले रहे हो? चुप रहो, मेरे में खाना ही खाना कहता रहूंगा। खाना तो छोड़ो, प्यास लग जाएगी इतना बुलवाओगे तुम मुझसे। ओहो क्या क्या पता चली, क्या कही? एक मिनट और, इतना बुलवाओगे तो प्यास लगेगी, गला सूखेगा, फिर पानी चाहिए। चलो तो कैसा लग रहा है आपको, आप बताइए कुछ। बहुत मजा आ रहा है। हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड। हमें तो भाई आज बड़े वाली फीलिंग आ रही है, जैसे हम बड़े हो गए हो। पहले पापड़ तैयार हो गए करवा चौथ पे, आज हम भी तैयार, बड़े वाली फीलिंग आ रही। हंसी भी आवे भाई, बाजी बाजी फिर तो सोच के रिलेट कर पाएंगे कुछ भाई। लगे है भाई हंसी तो आ गई है, आज से एक साल पहले हम यूं घूम रहे करवा चौथ पे। बता दो क्या दिया है। दो तो बता दो ना क्या दिया है। और दो मम्मी गिफ्ट देता रहा पूरे दिन है। हाँ। तुमने मुझे क्या दिया है? बर्थडे पे दिया तो था। अरे अब क्या दिया करवा चौथ पे? आज का दिन हमारा होता है, हमें मिलते हैं। अरे हमारा भी रहवे है, मन लगता पहरे हमने। कोई नहीं देता, आज के दिन तो मैं देना चाहिए बस। है? देना चाहिए। ऋतिक ने मुझे गिफ्ट में 2100 रुपए कैश दिए, वे भी 3000 घटा दी भाई, 5100 रुपया दिए। यार कितने बड़े झूठे हो। ना दिए 5100, ना दिए। चलो ठीक है मान लिया बस। भाई 5100 भाई, मैं सच बताऊं मैंने दीपशिखा को गिफ्ट के लिए पैसे दे दिए थे, क्योंकि भाई पता है क्या चीज है, मैं दीख ना रहा। मैंने गिफ्ट के लिए पैसे दे दिए थे क्योंकि भाई मैं अगर कुछ लेकर आता फिर वही वाली चीज है, ये के लिए वो के लिए। हाँ ऐसा लाते वैसा लाते, मुझे लेके जाते। हाँ तो मैंने दीपशिखा को, क्योंकि मेरा भी यही सीन है, अगर दीपशिखा मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाती है ना, मैं दीपशिखा से कह दूं, मैंने कि तू भाई मैं बता दूं, अगले बार मैं भी एनवेलप देने वाली हूं। अगले बर्थडे में मैं भी ऋतिक को एनवेलप ही देने वाली हूं, तो मैंने इसलिए दीपशिखा से कह दिया। डोमिन हो रहा है आंखों के सामने, ले चलूंगा तो कहीं खाने आना, घूमने चलना, रात को ले चलना ना 12 बजे। अरे अभी अभी सीपी वीपी कहीं थोड़ा हरा ना है। चलो तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर, अब सारा सामान ऊपर लेके चलते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया था कल, तो जो भाई घर आते दीपशिखा ने करवा दी शर्ट चेंज, नहीं कह रही है मुझे वीडियोस बनानी है तो वाइट पहनो। एक और दीपशिखा ने भी अपना आउटफिट चेंज कर लिया। देखो हाँ भाई, हाँ अब देख लो ना, तीनों उतार लो ना भाई, वे लगा रखे हैं आंखों में, क्या क्या लेंस मेरी आप देखो बिन लेंस की ऐसी। चलो भाई क्या क्या करना पड़ेगा, मैं चकासन उस कमीज में या कि नहीं चेंज करो, मैंने ठीक है जी कर लेंगे, आज आपकी सारी बात मानेंगे। ये आपका सेकंड आउटफिट है, ये आपका सेकंड आउटफिट है। कल तो बैंगनी से कलर की ड्रेस बता रही है ना तुम, तो ये आउटफिट है। पोछा मारते चलो, पोछा मारती जा रही है। और भाई अब मिलवाता हूँ वहाँ पे मम्मी से। हाँ भाई, हाँ जी मम्मी जी, बढ़ती हूँ भाई, आज मम्मी पापा के नाम की बर्ती है, फिर 2 दिन बाद फिर मेरे नाम की बर्ती है, अहोई का बर्थडे जैसे, फिर इसके नाम का दरंग भैया, अहोई का बर्थडे। तो आपने क्या पहना है, अपना ऑटिट दिखा दो आप भी। हाँ भाई देख भैया बताओ, हाँ ऑटिट बताओ ना, दोनों साथ वो खड़ी हो जाओ, देखो रुको और अभी दिखाते हो। चलो 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 भाई अब क्या करना है आप बता दो। चलो तो जी भाइयों अब आगे का सारा व्लॉग दीपशिखा कंटिन्यू करेगी, ठीक है, क्योंकि भाई अब मेरे को तो कपड़ा चेंज कर ले, मैंने कर लिया, और मुझे दीपशिखा को लेके आना था, मैं लेके आ चुका हूँ, तो अब आगे की जो भी चीज़ें आपको दीपशिखा बताएगी। तो चलो अब लुक सुंदर लग रही है तुम मेरी तरह, खा लिया या नहीं, झूठ बोले मम्मी, या ना खा लिया। करवा चौथ मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है, हे करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना।
आ बहन तू भी खाना खा ले। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया। अरे खाना खाना खाने बैठ गई। आई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी, उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, चलो खिंचवाओ। हैं? भाई देखो स्ट्रगल, वाह भाई वाह, इतने घेर के बनवाई गाय को फिर तब देखो देखो भाई क्या है गिर मत जाइए दीप जी का फोन तो देख लीजिए, छोटे जी ने तो ना इधर से लो सा फोटो। हाँ फोटो दे। चल भाई दीप से कहना पूरे घर में पोछा मार दिया, ठीक है बढ़िया, चल 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 सही है। तो अभी हम ऊपर से आए तो मैं नीचे आई, देखो कितना अच्छा दिन है आज। तो मैं नीचे आई तो मुझे एक पार्सल दिखा, तो ये एक कोलैब आया है पेज का नाम है श्री श्याम कलेक्शन। ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। बाकी थैंक यू सो मच श्री श्याम कलेक्शन जिन्होंने आज मुझे पार्सल भेजा है। तो गाइस फिर सब बोलने लगे, फिर मम्मी जी भी कहने लगी कि चलो ओपन करके देख लेते हैं, मतलब आज के दिन आज फेस्टिवल है, उन्होंने मतलब इस सूट मुझे भेजा है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को। तो मैंने सोचा इतना तो मेरे को भी करना चाहिए, आप देख सकते हो कितना प्यारा है पर्ल का हैंडवर्क है। आजकल हैंडवर्क वाले सूट ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग में है, तो इसमें पर्ल का हैंडवर्क है पूरा और दबके वाला वर्क भी है। नीचे आपको इसमें क्रोशे की क्लैस भी है और दुपट्टा मैं आपको बता देती हूँ, दुपट्टा काफ़ी यूनिक है। ये दुपट्टा है इसका, ये बनारसी में और स्टॉल टाइप है तो परफेक्ट है और सॉफ्ट वाला है, स्वीटिंग के अंदर है। तो पेज का नाम बताऊँ श्री श्याम कलेक्शन है, काफ़ी अच्छा सूट है, फैब्रिक की मैं कह रही थी बहुत अच्छा है, सच में फैब्रिक बहुत फाइन है। तो आप एक बार जरूर मेरे कहने से श्री श्याम वाला पेज विजिट करना। हद कर दी आज। तो गाइज अब मेरा है थर्ड आउटफिट, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने स्टिच कराया है जो मैं यहाँ से जो लेके गई थी ससुराल से जब गई थी, तो फिर मैंने स्टिच कराया और नृत्य को जो मैंने चांदनी चौक में इतना घुमाया था इन सब चीज़ों के लिए। देखो अब कुछ इस तरह से मैंने ये कस्टमाइज कराया है, तो ये बढ़िया बढ़िया ठीक है, थर्ड आउटफिट है ठीक है। और भी हो एक आध जोड़ी, उन्हें पहले अभी लास्ट फोर्ड वाला और है, पूरा ब्लॉग देखना है इसलिए आप। वैसे और तो कुछ हुआ नहीं है, इन आउटफिट्स चेंज के चक्कर में बाल पूरे खराब हो चुके हैं और तो कुछ। चलो अब मैं जा रही हूँ फिर नीचे, थोड़ा बहुत काम दिखवा लेती हूँ, बहुत आउटफिट हो गया। अब मम्मी रुको, पहले मम्मी की चुन्नी यहाँ पे रख दूँ क्योंकि हैवी चुन्नी में प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी जी बना रही हैं प्रसाद और खाना साथ में, जो बात है मम्मी जी ने बनाया आज, मेरा काम अभी आगे का है, मैं वो करूँगी रोटी और पूरी वाला, ये तो सब मम्मी जी ने कराया, मम्मी बनाएगी ये सब्जी, मम्मी बना रही पनीर की और कढ़ी पकौड़ी बनेगी। देखो मैं हमेशा की तरह सैलेड काटी है, पकौड़ी बनेगी, चावल बनेगी, क्या मेरी तरफ से गिफ्ट मान ली हो, क्या है गिफ्ट अभी ऋतिक लाए, देखो ये भी सारी चॉकलेट, अरे ये भी है मेरी तरफ से, लो फॉर यू, थैंक यू। सबको पता है भी ब्लॉग में दिखा दिया मैंने कि चेंज करी है, ये देखो और ये रहा गिफ्ट, ये रहा ना गिफ्ट ऋतिक का, ना दो मेरे रिंग तो दिखा दो जो मैंने दिए, ये दिया ऋतिक ने, थैंक यू। लो मेरी जब हालत देख रहे हो, अब पूरे दिन लुक्स क्रिएट करने में तो नहीं पता चला, बड़ा प्यास लग रही है मेरी तो, हद ही ना कर दी कभी कोई से लग जाए। और सबसे बड़ी चीज होता है जब मतलब आउटफिट चेंज करती हूँ तो नेकलेस भी उतारना पड़ता है, चूड़ा भी मतलब बार बार रिमूव करना पड़ता है, फिर पहनना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। पर अब सच्ची वाली प्यास लग रही है भाई मेरे को, ऋतिक प्यास लग रही है। चुपके से पानी पी ले,
कह रहे छुपके से पानी पी ले। मैं तो कह दूंगा ना फिर व्रत तोड़ दिया। हाँ फिर मेरे पीछे पड़ गया, व्रत तोड़ दिया। अरे अब ऋतिक ने फास्ट रखा होता, मैं बताती हूँ ऋतिक के बारे में अपडेट गाइस। हाँ जी तेरे जीना आराम कर देगा। अभी बताती हूँ ऋतिक की अपडेट देती हूँ। ऋतिक ने फास्ट किया हुआ था, जो बात है बस अभी खाइए चॉकलेट। कितने बज रहे हैं? 6:30 बजे। अरे मैं भाई इतना तो बनता है इंसान के लिए, है ना? तो इतना तो ऋतिक के लिए बनता है कंसेशन की ऋतिक ने मतलब चॉकलेट खा ली। और का पीता ना, खाता ना। मैंने ऋतिक को एक चीज और बोलती कि इस आउटफिट के मैच की शॉर्ट पहन लेना। मैं तो सुबह ही तेरे सामने लगता ही बदलता रहा। मैंने ना बदले। देखो ये वाले सूट, अभी ये मैंने मम्मी जी के लिए निकाला है, ये माँ जी के लिए, ये छोटे मम्मी के लिए, ये मैंने दिए हैं। ये आपने दिए? ये 100 रुपया मेरे इसमें। अभी इंटरव्यू रखूंगी। ये वहां से है, गांव से, पापा और छोटी मम्मी दिया है। तारीफ कौन करेगा? सूट बहुत प्यारा, येलो तुम्हारा फेवरेट कलर। वाओ बढ़िया। मुझे साथिया बनाना आता है गाइस। देखो क्या परफेक्ट बनाया है। और किसी को ये पता है साथिया को क्रॉस नहीं करता, पता ना तुम्हें? तुमने बता दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दो बेर पूरी है। हटा के लो उसको। हाँ यही से नहीं देख लो, जैसा पेपर ज्यादा वैसा ले है, छेद छेद है यूरो, तुम ऊपर से ले लो। हाँ हम अभी तक छत पे नहीं गए, फास्ट अभी तक नहीं खोला है। क्यों? रीजन इज मेरा फोर्थ आउटफिट पर नहीं रहूँ कैसे टक रही है। तब मैं अपना फोर्थ आउटफिट वेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ काम करे। चलो फोर्थ आउटफिट क्या है दिखा दो। और मैंने फोर्थ आउटफिट के लिए अपनी ज्वेलरी भी चेंज की, अभी ये वाली पहनी है। और ले
ये लोटा इस पानी था जे घर से ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है इसमें डुबोती रहे ना देखते रहे हां नहीं करते रहे और ऐसे पांच बार हां छींटे देते रहे देख देख का हां ऐसे नहीं ना रख दे हैं तो ये माल अब ये दीपशिखा हम भाई कितने बार ये जो दीपशिखा एक बार करते हैं अब चावल के थोड़े में कर दे अब लेकर आरती उतार ले खड़े होके नहीं उतार लो बैठ के उतार ले बैठ के खड़े हो जाते खड़े होके ये नहीं दिया पकड़ पहले एक बार चांद की तरफ करो ऊपर तरफ अपनी तरफ करो हमने कोई से रहने पहले चांद देख फिर इसे देख फिल्मी सीन होगा नहीं तो ये मेरा फोर्थ आउटफिट आउटफिट मेरा वेडिंग आउटफिट कैसा लगा आ चुका है देखो मेरा कैसा लगा आपको व्रत रख के काफी एक्साइटेड था बट देखो भूख प्यास नहीं लगी मेरे को अभी वो लगता इतने बदल लिए दिन में अभी मैं रील बनाने में बिजी हूं चलो तो जी भाई जैसे ही खाना खाना बैठे एकदम लाइट भाग गई चलो खाना खा लेते हैं ठीक है अब ये वाला व्लॉग मैं बनाता दीपिका अपने हाथ में रखा हुआ था अब भाई लाइट ही भाग गई चलो तो जी भाई फाइनली खाना खा के आ चुके हूँ ऊपर और देखो हाँ जी रूम की हालत देख के भाई देखो क्या घर फैला रखा है ये देखो यू देखो हाथ दीप जी का ना हद कर दी उंग है भी दीप जी का ना हद कर दी ओ लत्ता ही लत्ता लत्ता ही लत्ता चार जोड़ी लत्ता और खुद तो बदले बदले मोर बदलवाए कहते हैं ऐसे और सुनो तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कुछ नहीं बस फिलहाल कमरे के चक्कर से आ रहे और अपना एक्सपीरियंस अरे मैंने कुछ पूछा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कैसा लगा वर्तन काफी एक्साइटेड काफी ज्यादा अच्छा ये वाली फीलिंग भी मतलब फाइनली लाइफ में एक्सपीरियंस भी ले लिया और भाई मौत हंसी आ रही है भाई मौत हंसी आ रही है बर्थडे हो गया इतने फास्ट रखा है गाइस अरे भाई ठीक है बताओ कैसे एक चॉकलेट खाई है भाई मौत मजा पानी पी भाई मुझे तो पता हंसी किस चीज पर आ रही है कि भाई चीजें कितनी जल्दी जल्दी बदल जा और कितनी जल्दी जल्दी चीजें बदल गई ठीक है मतलब एक साल पहले मतलब बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है बर्थडे हो गए अब ठीक है बर्थडे हो गए अब मैं बड़े दिल की बात है तो एक तो जब मैं पूले हूँ क्या कहें उसको खरीदूँ मिठाई मिठाई होगी या फल फ्रूट खरीदूँ एक तो वो जब बहुत ऊलग है यार क्यों की ऋतिक कभी पापा मम्मी यार खरीद रहे आज हम भी खरीद रहे हैं ठीक है और एक आज लहजा रहजा चलो तो जी भाइयों और भाई बाल बढ़ चुके हैं सुबेरी मैंने 70 खड़े कर रखे फिर मैंने भाई धो लिए फिर मैंने नीचे कर लिए और आप भी मुंह मीठा कर लो और दीपशिखा को क्या क्या गिफ्ट मिले वो दीपशिखा को कल मिलते हैं ना चलो तो जी भाई इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यही समाप्त तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कैसे लगे सारे
वो तो पता ही जरूर बोलेगी। चलो तो भाई इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाना। और जो भी मेरे बड़े देख रहे हैं ऐसे हम दोनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो, और जो भी मेरे छोटे भाई हैं जो भी मेरे बहन हैं ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। तो राम राम लव यू, जय बाप राम राम की, और सबसे मेन चीज़ भाईचारा बनाए रखो, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। चलो मिलते हैं कल।